आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 462वें एपिसोड में आपका स्वागत है। रैक पॉइंट सिवनी का, जहां अभी हम खड़े हुए हैं, हम तो लगातार आपको लगभग 150 से ज्यादा एपिसोड हो गए हैं रेलवे के बारे में बता रहे हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब से लगातार ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम पिछड़ता जा रहा है, बहुत विलंब से हो रहा है। बात की जाए मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की, यहाँ मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम बहुत तेज गति से होता है। इस तरफ अगर हम जाते हैं छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में काम बहुत तेजी से होता है। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र, छिंदवाड़ा पूरा जिला है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की जब बात आती है तो बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम बहुत मंथर गति से होता है। लगभग एक साल पहले इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS अभी तक सिवनी में नहीं हो पाया है। कुछ दिन पहले ये बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से भौमर के बीच का इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर PCEE रमेंद्र तिवारी आए थे यहाँ पर, उनके द्वारा किया गया था। उन्हें CRS भी बना दिया गया था उस समय रेलवे के जो नियम कायदों के हिसाब से। ये खंबा जो आप देख रहे हैं 1190/1980 से बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग और बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से भौमा के बीच में CRS हुआ था यहाँ पर। इसके बाद इस तरफ ये सिवनी रेलवे स्टेशन की तरफ हम जाते हैं, सिवनी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला हिस्सा, इस पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तार, अगर हम आपको दिखाएं यहाँ तार देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये तार यहाँ पर आपको लगे हुए दिख रहे होंगे। इस तरफ जो तार हैं उसमें ड्रॉप वायर लग चुका है, पर इधर जितने तार हैं उसमें ड्रॉप वायर नहीं लग पाया है। साथ ही एक तार कॉपर का आपको अलग दिख रहा होगा, बाकी इस तरफ जो तार लगे हैं जिस पर करंट डाला गया था, चार्ज किया गया था, वो ब्लैक दिख रहा होगा, और उस तरफ वाला हल्का सा गुलाबी जैसा जैसा कॉपर होता है उस तरीके का दिख रहा होगा, उसे अभी चार्ज नहीं किया गया है। पर ये बात समझ से परे है कि यहाँ ये आपस में टकरा रहे हैं, इसका तात्पर्य यही हुआ कि इसके आगे भी करंट दौड़ ही रहा होगा। वैसे रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को एक बात बताई है कि यहाँ चौरई से सिवनी के बीच में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कराया गया है, विद्युतीकरण का काम चौरई से भौमा के बीच में जो कराया गया है, माफ कीजिए, चौरई से सिवनी के बीच में, उसमें लगभग 250-300 मीटर तार बीती रात चोरी हो गया, और कनेक्ट वायर जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट जिस पे होता है उस वाले तार को चोर नहीं ले गए, क्योंकि वो नीचे वाला जो तार होता है वो फोल्ड गोल नहीं हो पाता है, थोड़ा सा मोटा होता है। ऊपर वाला जो कैटनरी वायर उसे चोरों के द्वारा चुरा लिया गया, क्योंकि ये सूत्रों का कहना है, क्योंकि वहाँ चार्ज नहीं किया गया था, उसमें करंट नहीं बह रहा था। तो इस रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि यहाँ पर जो भी तार सिवनी के बाईपास तक डाला गया है चौराई से, उस पूरे तार को चार्ज संभवतः है बृहस्पतिवार शुक्रवार, कभी भी शुक्रवार को शायद चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि तार जब उसमें करंट बहेगा तो उसकी चोरी नहीं हो पाएगी। अभी जहां पर तार चोरी हुआ है और कैटनरी वायर ऊपर वाला तार चोरी हो गया है 250-300 मीटर के लगभग, वहां पर तार चोरी हुआ है, और जो तार चोरी हुआ है वहां अभी गाड़ी गई है और ट्रेन वहां पहुंची है, क्रेन पहुंची है, और वहां उसके उपरांत तार लगाया जाएगा, और तार लगाकर शुक्रवार अथवा शनिवार को वो पूरा चार्ज कर लिया जाएगा। इसके अलावा सिवनी का जो नया बाईपास है, नए बाईपास से रेलवे स्टेशन से
ये बरघाटना का LC जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये इस खंबे तक 28 फरवरी तक, वैसे 15 फरवरी तक डेडलाइन दी गई है PCE प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा कि 15 फरवरी तक इस काम को पूरा कर लिया जाए। 15 दिन का क्वेश्चन रखा गया है, अर्थात 28 फरवरी तक ये पूरा काम कर लिया जाएगा। इस बीच में चोरी ना हो, इसलिए तारों की चोरी ना हो, क्योंकि कॉपर वायर, कॉपर काफ़ी महंगा होता है। यहाँ से भौमा केवलारी नैनपुर तक करंट बह रहा है, चौरई से सिवनी तक अभी करंट नहीं बह रहा था, जिससे 250-300 मीटर तार बीती रात वहाँ चोरी हो गया, जो चीज़ समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को पता लगी है, सूत्रों के यह बात बताई है। कितनी भी पेट्रोलिंग आप करा लें और उससे बचा नहीं जा सकता, चोरी से बचा नहीं जा सकता, सिवाय इसके अनटिल अनलेस कि आप उसमें करंट प्रवाहित करें। कैटनरी वायर चोरी हुआ है, सिवनी में अभी काम रेलवे सवारी गाड़ी नहीं चल पा रही, और सवारी गाड़ी नहीं चलने के कारण यहाँ बहुत सारी विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं। सवारी गाड़ी तो चल नहीं पाई, 8 साल हो गए हैं, लगभग 8 साल मेगा ब्लॉक लगे हुए। इस सब के बाद भी यहाँ पर सुरक्षा, जो सुरक्षा मानक हम आपको बार बार दिखाते आए हैं, रेलवे के अधिकारियों ने भी देखा है, बिना हेलमेट लगाए काम चल रहा है, बिना सुरक्षा जैकेट लगाए काम चल रहा है, मनमर्जी से काम चल रहा है। अभी 30 जनवरी को ये जो ट्रैक आपको आखिरी वाला ट्रैक दिख रहा है, इस ट्रैक से एक इंजन भौमा से आ रहा था, यहाँ से एक ट्रॉली जा रही थी, आपस में भिड़ंत हुई और भिड़ंत में 2 रेलवे कर्मियों का निधन हो गया और 1 बुरी तरह घायल है। बिल्कुल स्पष्ट पानी आईने की तरह साफ पूरा मामला था। ब्लॉक लिया गया था, जो रेलवे के सूत्र बताते हैं कि ब्लॉक लिया गया था इंजन के द्वारा, जो इंजन आ रहा था उस इंजन को यहाँ इसलिए लाया जा रहा था क्योंकि यहाँ जो इंजन काम करा रहा है उस इंजन में डीजल 950 लीटर बचा था। मिनिमम लेवल डीजल का 1000 लीटर होता है, पर 950 लीटर डीजल बचा था, इसलिए उसको भेजकर रिफिलिंग के लिए भेजा गया और उसके एवज में दूसरा एक यहाँ से बुलवाया गया। जो इंजन आ रहा था वो इंजन सिवनी से जो ट्रॉली जा रही थी, PWI पाथवे इंस्पेक्टर जो इस ट्रैक का निरीक्षण करते हैं, वो आपस में टकरा गए। अभी सवारी गाड़ी चलना आरंभ नहीं हुई हो, इस तरीके की घटना घट गई है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा अभी तक उस पूरे मामले में कुछ नहीं कहा गया है, यहाँ तक कि मृतकों को श्रद्धांजलि भी नहीं दी गई है। ये उनका नितांत निजी मामला हो सकता है, किसी श्रद्धांजलि देना किसी नहीं, पर सिवनी की जनता ने उन्हें चुना है, इस लिहाज से काम अगर विलंब से हो रहा है तो उसके बारे में आवाज उठनी चाहिए। सक्षम मंच लोकसभा है, लोकसभा में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को आवाज उठाना चाहिए। सड़क बन चुकी है, सड़क के कारण जो रेड पॉइंट की अप्रोच रोड है वो बन चुकी है, पर यहाँ आपको ये धूल दिख रही होगी, दरअसल धूल नहीं है, खराब गुणवत्ता वाला यहाँ पर काम हुआ है, ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आपने मनीष लावल का डिप्टी चीफ इंजीनियर जो यहाँ पर अधीक्षण कर रहे थे, उनके खिलाफ शिकायत करी थी दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2022 आ गया, आपने उस मामले में एक स्मरण पत्र भी भेजा था। रेल मंत्री या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जोनल मैनेजर आपकी बात अगर नहीं सुन रहे हैं, सक्षम मंच लोकसभा है, प्रश्न लगा दीजिए। अगर वाकई आप चाहते हैं कि सिवनी के साथ अन्याय हुआ है, और अगर आपको लगता है कि सिवनी के साथ अन्याय हुआ और उस अन्याय का प्रतिकार आप करना चाहते हैं कि सिवनी की जनता के द्वारा आपको चुना गया है और जनता के हित में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप लोकसभा में प्रश्न लगाइए, वो प्रश्न लगाकर पूछिए कि आपके पत्र दिसंबर 2021 के पत्र और स्मरण पत्र संभवतः सितंबर या अक्टूबर 2022 में आपने लिखा, उस पर क्या कार्रवाई हुई, या ये मान लीजिए सिवनी जिले की जनता ये मान ले कि आपने वो पत्र रस्म अदायगी के लिए लिखा था, अगर नहीं तो उस पर क्या कार्रवाई हुई। यूं तो आपके हवाले से आपके समर्थक ये कहते हैं कि आपके पत्र लिखने पर ये कार्रवाई हुई, पत्र लिखने पर वो कार्रवाई हुई, पर जब आप गुणवत्ता के लिए पत्र लिखते हैं उस पत्र पर क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में आपने कभी आपके समर्थकों ने नहीं बताया। अमृत रेलवे स्टेशन, अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन, सिवनी का रेलवे स्टेशन जोड़ा गया है, बहुत सारी सिवनी को सौगातें मिलने वाली हैं, उस संबंध में अभी तक किसी ने श्रेय लेने की अभी कोशिश नहीं की है। बहरहाल 28 फरवरी तक ये काम पूरा हो जाएगा, मार्च के पहले हफ्ते, होली 8 मार्च की है और उसके पहले
चौराई से सिवनी, सिवनी से भौमा, ये जो लेवल क्रॉसिंग यहाँ तक का इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ रेलगाड़ी चलना आरंभ हो जाएगी। श्रेय की अगर बात की जाए, श्रेय तब दिया जाता है किसी को जब काम समय सीमा में पूरा हो, और काम अगर समय सीमा में पूरा नहीं हो रहा, विलंब दर विलंब मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में साल भर पहले हो गया, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के छिंदवाड़ा जिले के हिस्से में साल भर पहले हो गया, और बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में 365 दिन छोड़िए एक महीना ऊपर हो चुका है, अभी तक यहाँ काम नहीं हो पाया। और उसके बाद अगर ये कहा जाए कि काम पूरा हो जाएगा, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं किसी ना किसी दिन तो काम पूरा होगा, आज नहीं कल 2020, हम सदा से कहते आए हैं 2020, 2021, 2022 नहीं तो 2023 कभी ना कभी यहाँ से सवारी गाड़ी गुजरेगी, फिर श्रेय किसे दिया जाए? अगर सब कुछ रूटीन में ही होना है, अधिकारी अपनी मन मर्जी से ही काम करने, तो हमें जनप्रतिनिधि चुनने का औचित्य क्या है? इस पर विचार जरूर करे सिवनी की जनता, सिवनी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी के नुमाइंदे, सभी के जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष इस बारे में विचार जरूर करें कि वे सिवनी के साथ न्याय कर रहे हैं या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 462वें एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन देखना है तो आप इसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये लिमिटेड की लालटेन पसंद आ रही है या अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। इन्हें इन सारे वीडियोस को आप शेयर जरूर कीजिए। @खबर1मिनट भी हमने आरंभ किया है। हम थोड़ा सा रोक रहे हैं, पीछे हम दिखा रहे हैं किस तरह से धूल उड़ रही। धूल नहीं, ये दरअसल सीमेंट है, और ये सीमेंट उड़ती हुई आपको दिख रही होगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आप सांसद हैं, इसकी जांच करवा लीजिए। यहाँ पर एक बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुलाइए, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के, सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाइए, और यहां से लेकर वहां तक गुणवत्ता का टेस्ट करा लीजिए। पूछ लीजिए कि ये उड़ क्यों रही है धूल, क्या ये धूल है, सीमेंट है, ऐसे आखिर ऐसी धूल आई कहां से इतनी सारी? नीचे सड़क है, उधर आगे जो रोड बनी हुई है उस पर तो धूल नहीं उड़ रही, धूल सिर्फ यहां उड़ रही है। ये धुर्रे उड़ गए हैं इसके, यहां पर हमने आपको बरसात में भी दिखाया था, ये देखिए ये पूरे धुर्रे उड़े पड़े हुए हैं। यहां पर पूरी सीमेंट निकल चुकी है और इसका भुगतान रेलवे के द्वारा कर दिया गया है। हमारे आपके, हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स से संचित राजस्व से ये सब निर्माण कार्य कराए जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटी की लालटेन के 462वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमिटी की लालटेन का 463वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। जय हिंद।